इलाहाबाद शहर के अंदर या पूरे जिले में बहुत से कुम्हार जाति के लोग रहते हैं जिनका पुराना पेशा था मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना, लेकिन आज इस आधुनिक युग में उन बर्तनों की उपयोगिता खत्म हो गई। सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि यहाँ पर लोग इन मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा कोना भी है जहाँ जनता के दबाव के कारण दुकानदार मिट्टी के कुल्हड़ों का उपयोग कर रहे हैं। शेरदार जी, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम तो बचपन से कर रहे हैं। इस काम से आपको कुछ फायदा होता है? फाइबर अगर बंद हो जाए तो फायदा हो। तो इसके खरीदार पहले से बढ़े या कम हुए? खरीदार तो कम है, पहले 800 खरीदते थे, 1300 रुपए की है। अच्छा, 1500 रुपया पड़ जाती है। मिट्टी कहाँ से लाते हैं, कितनी दूर से? मिट्टी इधर से आती है, पड़ेला से। पड़ेला से आती है। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या हो कि लोग इसका प्रयोग करें? फाइबर बंद होगा तभी सब इस्तेमाल करेंगे। फाइबर बंद हो जाए? सरकार ने तो प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध लगाया है मगर प्रतिबंध कोई मानता है? अच्छा, कोई मान नहीं रहा है। सुनकर जी, आप ये दुकान कितने दिन से कर रहे हैं? 32 साल से। 32 साल हो गया। 32 सालों से ये छोटे वाले कुल्हड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? 32 साल से बराबर। तो कुल्हड़ तो महंगा पड़ता है? कुल्हड़ महंगा पड़ता है, उससे दुगने रेट पे मिलता है। दुगने रेट से मिलता है? दुगने रेट से। और ये आपके इलाके में बनता है ये कुल्हड़? हमारे इलाके में यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गौसपुर है। अच्छा, वहीं कुल्हड़ बनता है। इस कुल्हड़ का क्या रेट है? इस कुल्हड़ का रेट है 20 रुपए सैकड़ा। अगर आप प्लास्टिक में बेचेंगे तो क्या लोग नहीं पियेंगे? नहीं, प्लास्टिक में लोग अपना एलर्जी बताते हैं कि इसके पीने से नुकसान भी होता है। यानी जनता का दबाव है? हाँ, जनता का दबाव है। सिर्फ प्लास्टिक से पर्यावरण को ही नुकसान नहीं है, इसके अलावा भी नुकसान है। अगर हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो जो कुम्हार जाति के लोग हैं, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, उनको रोजगार मिल सकेगा। मैं अजीत बहादुर, इंडिया अनहर्ड के लिए इलाहाबाद से।